हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे लास्ट लेक्चर में ऊर्जा संसाधन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कृषि परिदृश्य एवं पशुपालन से संबंधित चैप्टर, ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होगा ये सब। तो याद रखिए, जितने भी आपके चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो आपकी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके आंकड़े, तो याद रखना है, ये हर टाइम बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये आंकड़े आपके पुराने हो चुके हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था एमपी का, और अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा 2019 का करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो वो डला है आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है एमपीजी के, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 के नाम से बनी हुई है, उसी में सभी लेक्चर आपके डले हुए हैं और बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो ये आंकड़े सब उसी से देख लेना, ठीक है। जितने भी आपके, अब बात करते हैं अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत, ये 2015-16 में अनुसूचित जाति के 128 हज़ार, अनुसूचित जनजाति के 133 हज़ार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है इससे, जबकि वर्ष 2016-17 तक अनुसूचित जाति के 115 और अनुसूचित जनजाति के 126 हज़ार कृषकों को लाभान्वित किया गया है। फिर है आपका नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एवं ऑयल पॉम योजना, ये 2014-15 से संचालित है। इस योजना का उद्देश्य विदेश में तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। सोयाबीन फसल को अतिवर्षा एवं अल्पवर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी रिज फरो पद्धति को विदेश में प्रोत्साहन किया जा रहा है। विदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 2015-16 में, 2014 तथा 2016-17 में अतिरिक्त 612 कस्टम हायरिंग केंद्र निजी क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 2016-17 में कृषि यंत्रों के बड़े 82 हाईटेक हब निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। कृषि यंत्रों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि के लिए शासन द्वारा प्रति वर्ष 200 ग्राम का चयन यंत्र दूत ग्राम के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रदर्शन मिनी किट की योजना के अंतर्गत 2015-16 में 686,126 प्रदर्शन मिनी किट आयोजित किए गए। वर्ष 2016-17 में यह बंद कर दी गई योजना। वर्ष 2013-14 से प्रदेश मौसम आधारित उद्यान की फसलों को प्राकृतिक आपदा एवं मौसम के विपरीत प्रभाव से फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। वर्ष 2016-17 में कुल मसालों का उत्पादन, ये पुराने आंकड़े हैं उसमें जाकर देख लें, ठीक है, नए आंकड़े उसमें दिए गए हैं। बात करते हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विदेश में 2005-06 से राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया। वर्ष 2009-10 से इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रदेश के 40 जिलों में मिशन की क्रियान्वयन किया जा रहा है। औषधीय पादप मिशन 2008-09 में से प्रारंभ किया गया। जन निजी भागीदारी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कंपोजिस्ट लॉजिस्टिक हब पावर खेड़ा होशंगाबाद में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को भोपाल की करौंदी मंडी में 14 फरवरी 2016 को पायलट रूप से प्रारंभ किया गया। द्वितीय चरण में इसमें 19 मंडी समितियों में लागू किया गया। 31 मार्च 2017 तक तृतीय चरण में 30 और मंडी समितियों में लागू किए जाने की कार्रवाई की जा रही है, ठीक। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है यहाँ की। मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में देश में चौथा स्थान है।
सोयाबीन, चना, अलसी, दलहन, अफीम के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ज्वार, तिलहन और अरहर के उत्पादन में प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का 43% भाग एक फसलीय है। लगभग 57% भाग दुई फसलीय कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करते हैं आगे हम लोग। कृषि उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश में विपुल उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश में सूरजधारा योजना चलाई जा रही है। सूरजधारा योजना किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के कृषकों को आर्थिक सहायता देने से। ठीक, मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में 22% हिस्सा है। प्रदेश के दलहन तिलहन का उत्पादन का 13% उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में किसानों के हित संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले में किसान परिषद का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में खंडवा खरगोन को सफ़ेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है। क्या? खंडवा और खरगोन को सफ़ेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन की वर्तमान में 218 शाखाओं पर 61.13 लाख मेट्रिक टन औसत क्षमता कार्यशील है। आगे बात करते हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, विदिशा, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, सतना जिले में कुल 9 स्थानों पर 4.50 लाख मेट्रिक टन क्षमता का स्टील साइलो प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में प्रथम बार पीपीपी मॉडल पर स्थापित किया जा रहा है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। ये बात ये जरूरी है थे, इन्हें याद रखना है आपको, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादकता और उत्पादन उज्जैन जिले में होता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादकता एवं उत्पादन कहाँ होता है? उज्जैन जिले में। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निवाड़ क्षेत्र में होता है। सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना सिवनी में है। सोया बिस्किट संयंत्र भोपाल में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका इंदौर में है। इंदौर में देश की प्रथम जैविक खाद इकाई स्थापित की गई। अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने का संयंत्र आपका ग्वालियर जिले में है। सहकारी क्षेत्र का कीटनाशक संयंत्र कटनी में है। महिला किसानों की प्रशिक्षण की योजना डेनमार्क सरकार की सहायता से संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम अब किसान कल्याण तथा कृषि विभाग हो गया है। मध्य प्रदेश की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करते हैं। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में की लगभग 70% एक देख लिया। मध्य प्रदेश में 49% क्षेत्रफल पर कृषि होती है। प्रदेश में कृषि जोतों का क्षेत्रफल 154 लाख हेक्टर है। मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का औसत आकार 1.8 लाख हेक्टर है। सॉरी ठीक, उज्जैन में एशिया 1.8 हेक्टर है। ठीक है, उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, इसे याद रखना। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का ठीक है, सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है। वर्ष 1989 से केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के 33 जिलों में सूखे की स्थिति के समय सहायता हेतु थ्रस्ट परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत चावल, गेहूं, अरहर की फसलों को 7% केंद्रीय सहायता दी जाती है। देश के कुल गेहूं उत्पादन का 11% मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे बात करें, मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट या सोया राजधानी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन यहीं उत्पादित होता है। मालवा का पठार गेहूं का भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों का 62%, जबकि रवि की फसलों का 38% है। मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन देश में तीसरा स्थान है। कपास उत्पादन में गेहूं के उत्पादन में चौथा स्थान। ठीक,
मंदसौर नीमच राज्य के अफीम उत्पादक जिले कौन कौन से? मंदसौर और नीमच राज्य में, नीमच जिले में अफीम उत्पादन होता है। खंडवा और बुरहानपुर में गांजा उत्पादन, ठीक है, मंदसौर और नीमच में अफीम और खंडवा और बुरहानपुर में गांजा। प्रदेश में सर्वाधिक सरसों उत्पादक होता है ग्वालियर, भिंड, मुरैना में। प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन जिले में होता है। मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है विदिशा और होशंगाबाद, ठीक। विदेश में पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी, सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि से है। बात करते हैं आगे, विदेश में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजनीय उर्वरकों का प्रयोग होता है। रबी की फसलों को उनालू भी कहते हैं। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर, कपास, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार हैं। रबी व खरीफ के मध्य उगाई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार हरदा जिले में है और प्रदेश में न्यूनतम कृषि जोत का आकार कटनी और नीमच में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हरदा और सबसे कम कटनी नीमच। देश में सर्वाधिक फर्ती भूमि मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला आपका उज्जैन है। न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला है मंडला। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल व सोयाबीन की खेती की जाती है एवं दूसरे स्थान पर गेहूं की खेती, ठीक है। दालों के क्षेत्रफल में वृद्धि सर्वाधिक चने के क्षेत्र में हुई है। अनाजों में सर्वाधिक वृद्धि मक्का के क्षेत्र में हुई है। तिलहनों में सर्वाधिक वृद्धि सोयाबीन के क्षेत्र में हुई है। दालों को उत्पादन बढ़ाने के लिए 1998-99 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना प्रारंभ की गई थी। राज्य में सोयाबीन की कृषि देवास जिले में प्रारंभ हुई थी सबसे पहले। राज्य में उमरिया और कटनी जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सोयाबीन की कृषि होती है। किन किन में नहीं होती है? उमरिया और कटनी। मध्य प्रदेश को 11 संयोजन प्रदेशों कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। गेहूं चना संयोजन प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शस्य संयोजन प्रदेश है। यह पूरे मालवा एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। राज्य में सन 1960 में सर्वप्रथम मंडी अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में कृषि की जलवायु भौगोलिक दशाओं के बारे में बात कर लेते हैं। ये गेहूं है, ये फसल हो गई आपकी, ये वर्षा क्षेत्र हो गए सेंटीमीटर में, तापक्रम सेंटीग्रेड में और मिट्टी। तो गेहूं के लिए वर्षा जरूरी है 75 से 100 सेंटीमीटर और तापमान है 15 से 25 सेंटीग्रेड। दोमट हल्की कछारी मिट्टी जरूरी रहती है। चावल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, तापमान की 20 से 27 सेंटीग्रेड। इसके लिए मिट्टी ज़रूरी होती है दोमट, दलदली, चिकनी। फिर चना 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है, 20 से 26 सेंटीग्रेड तापमान। काली और जलोढ़ मृदा इसके लिए अच्छी रहती है। कपास 60 से 100 सेंटीमीटर, ये 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान, काली और जलोढ़ मृदा। तुअर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, 20 से 26 सेंटीग्रेड तापमान और चिकनी दोमट मिट्टी। ज्वार में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 15 से 26 सेंटीग्रेड तापमान, दोमट कछारी। गन्ना 100 से 200 सेंटीमीटर, 15 से 24 सेंटीग्रेड तापमान, हल्की दोमट चिकनी मिट्टी। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र कृषि विभागों द्वारा मध्य प्रदेश में 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किए गए। पहला है पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश, इसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन,
आदि ज्वार एवं कपास के लिए प्रदेश हैं। ठीक है, फिर मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिले इसमें आते हैं। एक अन्य पिछड़ा अन्य प्रदेश है इसमें छिंदवाड़ा, बैतूल। फिर मध्य गेहूं का प्रदेश, इसमें भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह जिले हैं। फिर चावल गेहूं का प्रदेश, इसमें उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर, सिवनी के दक्षिण तक की पेटी शामिल है। फिर संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, इसमें रीवा, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट आदि जिले सम्मिलित हैं। ठीक है, फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। ज्वार का क्षेत्र, गुना, शिवपुरी, शिवपुर, पश्चिमी मुरैना। फिर गेहूं व ज्वार का क्षेत्र, बघेलखंड, मालवा के पठार का मध्य भाग, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। कपास व गेहूं का क्षेत्र, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास, सीहोर। कपास का क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम, झाबुआ। चावल व कपास क्षेत्र, खंडवा, चावल, कपास, ज्वार क्षेत्र, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। चावल का क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, शहडोल, मंडला, बालाघाट, सिवनी, सीधी, जबलपुर आते हैं इसमें। ठीक है, फिर मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसल, गेहूं, चना, मटर, राई, सरसों, अलसी, मसूर। खरीफ की फसलों में चावल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, तुअर, ज्वार, मक्का, सूरमुखी। जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू। ठीक है, फिर उद्योग उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो व्यापारिक फसलें, कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, पटसन, अलसी, तिलहन, सोयाबीन। खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, दालें, तिलहन। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलें देख लेते हैं। ठीक है, गेहूं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। रबी की फसलों में सबसे अधिक क्षेत्र गेहूं के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग गेहूं क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश में इस भाग में औसत वर्षा 75 से 127 सेंटीमीटर तक होती है। फिर ज्वार, यह रबी और खरीफ दोनों फसलों में आती होता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की प्रमुख खरीफ फसल चावल है, उसी प्रकार पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है ज्वार। वो संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्वार होती है, जहाँ गेहूँ होता है। अंतर केवल इतना है कि पश्चिम की ओर ज्वार का क्षेत्र बढ़ता जाता है और गेहूँ का भाग कमता जाता है। फिर है आपका चावल, अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल थी। इसका प्रमुख क्षेत्र था पूर्वी मध्य प्रदेश, तथा इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रदेश किंतु प्रदेश के विभाजन के बाद शेष बचे राज्य में चावल अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। फिर है आपका अरहर, मध्य प्रदेश में भारत में दालों में अग्रणी राज्य। प्रदेश के विभाजन के बाद भी दलहन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है इसका, मध्य प्रदेश का। फिर है चना, चने में पिछले 7 वर्षों में हुए राष्ट्र की कुल उत्पादन वृद्धि में 39% योगदान है प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। यह रबी की फसल है। फिर है तिलहन, तिलहन फसलों के अंतर्गत कुल तिलहन फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन के दोनों में गत वर्ष में मिश्रित प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है। फिर है सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन, सोयाबीन मूलतः चीन की फसल है, कहाँ की, चीन की, और जापान, कोरिया, मंगोलिया में इसके कृषि प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ मौसम की प्रमुख व्यापारिक फसल सोयाबीन है। संपूर्ण देश का 59% से अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है। सोयाबीन के उत्पादन को देखते हुए इस तथा इस फसल को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य घोषित किया गया। प्रदेश में सोयाबीन की खेती 1964-65 में शुरू हुई थी। ठीक है, फिर है आपकी अलसी, क्या है अलसी, अलसी में प्रदेश में रबी की महत्वपूर्ण फसल है। यह गेहूं, चना, जौ के साथ मिलकर बोई जाती है।
अलसी सभी प्रकार की मिट्टी में होती है जहाँ पर्याप्त नमी होती है। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है रीवा। फिर तिल यह खरीफ की फसल है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, शहडोल, मुरैना, शिवपुरी, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, पूर्वी निवाड़ और सिवनी। मूंगफली, मूंगफली खरीफ की फसल है जो तेल और भोज्य पदार्थों दोनों के लिए उगाई जाती है। मूंगफली मध्य प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन मालवा का पठार और नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में होता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, धार, रतलाम, खरगोन, झाबुआ, बैतूल, छिंदवाड़ा, उज्जैन, राजगढ़, शाहजहाँपुर जिले के प्रमुख उत्पादक जिले हैं इसके मूंगफली के। इसके लिए रेतीली, दोमट, भुरभुरी तथा पानी के अच्छे निकास वाली भूमि जिसमें कार्बनिक पदार्थ और कैल्शियम पर्याप्त हों मूंगफली के लिए खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। नगदी फसलों की बात करें मध्य प्रदेश में तो इसमें है कपास। क्या है कपास? कपास मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। कपास की खेती आपकी खरगोन में, मंडला, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, शाहजहाँपुर, रतलाम, राजगढ़, सीहोर, झाबुआ जिलों में होती है। विदेश में देसी तथा अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास की खेती होती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की काली मिट्टी कपास हेतु उपयुक्त है। फिर है आपका गन्ना। गन्ना मध्य प्रदेश में प्रयाग उन सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ जल व्यवस्था ठीक है। गन्ना तैयार होने में लगभग 10 से 14 माह का समय लगता है। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। एक बात कर लेते हैं सूरज धारा योजना। अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को अलाभकारी फसलों तथा किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनों या तिलहनी फसलों के उन्नत विपुल उत्पादन देने वाली फसलों के बीज उपलब्ध कराना। विदेश में सूरजधारा योजना अंतर्गत 2016 में अनुसूचित जाति के 126,000, अनुसूचित जनजाति के 117,000 कृषकों को लाभान्वित किया गया जबकि वर्ष 16-17 में 118,000 और 114,000। ठीक, बात करते हैं पशुपालन एवं कुक्कुट पालन। मध्य प्रदेश में राज्य पशु एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई। 2012 की पशु गणना के अनुसार 3.63 करोड़ पशु है धन है और 119.5 लाख कुक्कुट बत्तख हैं। ठीक, याद रखिए हम लोग ये सब देख चुके हैं अभी मध्य प्रदेश के जो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 थे। ठीक है, वो भी आप करंट अफेयर्स में जाकर देख लें उसमें सब दिए गए कितना क्या है। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य पशु एवं कुक्कुट विकास निगम के केंद्रीय वीर संग्रहालय ये भदभदा भोपाल को भारतीय मानक ब्यूरो से ISO सर्टिफिकेट 9001 2008, प्रमाण पत्र 25 मार्च 2016 से 24 मार्च 2019 तक के लिए प्राप्त हुआ था। बस 1981-82 में प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड सेकंड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसके तहत 4 दुग्ध संघों कौन कौन से ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर और सागर की स्थापना की गई थी। केंद्र में प्रवर्तक योजना के अंतर्गत प्रदेश में इंदौर दुग्ध संघ के देवास जिले की देपालपुर तहसील में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार की स्वीकृति 15 मार्च 2012 को प्राप्त हुई। ठीक है, मध्य प्रदेश देश का तीसरा बड़ा पशुधन युक्त राज्य। राज्य में पशुओं में सबसे बड़ी संख्या बकरियों की है। राज्य में पशु घनत्व 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व टीकमगढ़ और रीवा में है। कहाँ? टीकमगढ़ और रीवा में। न्यूनतम पशु घनत्व है आपका होशंगाबाद जिले में। राज्य में सर्वाधिक पशु जनसंख्या है सीधी में तथा न्यूनतम है आपकी बुरहानपुर जिले में। राज्य में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में आनंद पद्धति पर की गई थी। प्रदेश में भूमि विकास निगम की स्थापना 1977-78 में की गई। प्रदेश में पशुधन शिक्षा के लिए जबलपुर महू में महाविद्यालयों की स्थापना की गई। प्रदेश में निवाड़ी गाय की अधिक मांग है। प्रदेश में गोवंश के संरक्षण के लिए गोवंश आयोग बनाया गया। प्रदेश में स्थानीय नस्ल के भेड़ों में
के सुधार के लिए भेड़ और ऊन विस्तार केंद्र की स्थापना की जा रही है, या दुग्ध उत्पादन में प्रोत्साहन के लिए वर्ष 1997 में विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में 1980 से आनंद मॉडल से प्रेरणा लेकर ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण को प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में अमूल पद्धति पर डेयरी विकास के लिए वर्तमान में ऑपरेशन फ्लड 3 परियोजना क्रियान्वित है। प्रदेश में शहडोल मंडला सीधी बालाघाट छिंदवाड़ा जिलों में एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना संचालित की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को उन्नत नस्ल के गौवंशीय सांड़ प्रदान कर नस्ल सुधार के लिए प्रदेश में 26 अक्टूबर 2005 से नंदीशाला योजना प्रारंभ की गई। कलौर संगोम संगोपन कार्यक्रम, इसके अंतर्गत उन्नत नस्ल की बछियों को पोषित कर गायों में परिवर्तित होने के लिए पशुपालकों को प्रदान की जाती है। याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। धान का देख लेना है, फसल है आपकी। प्रथम 3 जिले हैं, रकबा में न्यूनतम जिले हैं 3, ये उत्पादन में प्रथम 3 जिले और न्यूनतम 3 जिले, ठीक है, ले लीजिए। ये भी ले लीजिए, उसे देख लीजिए जरूरी, ठीक है, क्योंकि उसमें नए आंकड़े दिए गए आपके। अब इसमें देखना है हमें, कृषि क्षेत्र की प्रमुख संस्थाओं के बारे में एवं केंद्र के बारे में। ये संस्थाएं आपकी, ये मुख्यालय हैं। राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र आपका बड़वानी में है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है आपका। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र आपका भोपाल में। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय आपका जबलपुर में। उद्यानिकी विश्वविद्यालय ये मंदसौर में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र ये उज्जैन में। प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र भोपाल में। मवेशियों को का चारा बनाने का संयंत्र धार में। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई इंदौर में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये जबलपुर में 1964 में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र एक खमरिया जबलपुर में है। अगला है डेयरी स्टेट केंद्र एक परियट जबलपुर में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में। दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर में। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपका जबलपुर में। सैलचित विज्ञान जैविक खाद संयंत्र भोपाल में। गन्ना अनुसंधान केंद्र बुहानी नरसिंहपुर में। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा सीहोर में। मध्य प्रदेश गेहूँ अनुसंधान केंद्र पवार खेड़ा में होशंगाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस भोपाल में, ठीक है, नए आंकड़े देख लेना। प्रमुख फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान गेहूं में चतुर्थ नंबर पर, याद रखिए, लेकिन नए आंकड़े देख लेना, तीसरे नंबर पर, ठीक है। चावल में छठा, सोयाबीन में प्रथम, तिलहन में द्वितीय, दलहन में प्रथम, ज्वार में द्वितीय, चना में प्रथम, कपास में तृतीय, सरसों में द्वितीय, ठीक है। ये 2016-17 के आपको 18-19 के सर्वेक्षण देख लेना है, ठीक, वहाँ जाकर करंट अफेयर्स में। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित आपका कृषि परिदृश्य एवं पशुपालन। आगे हम बात करेंगे वन संपदा एवं वन्य जीव के बारे में, ठीक है।